हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दरभंगा से मधुबनी जा रही बस में लगी अचानक आग धू धू करके जल उठा। त्राही माम मचने लग गया। जी हाँ, बाल बाल बचे यात्री। चलती बस में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री। मधुबनी जिला स्थित रहिका थाना क्षेत्र के पौना मोड़ के निकट यात्रियों से भरी चलती बस में आग लगने की खबर सुनते ही आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। बस दरभंगा की ओर से आ रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। अचानक गाड़ी में धुआं निकलता देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि संध्या काल शकील ट्रेवल्स यात्री बस दरभंगा से जटी ही जा रहा था। यात्रियों ने बताया कि सतलखा के पास से ही बस में धुआं निकलने लगा, लेकिन बस के कंडक्टर एवं ड्राइवर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यात्रियों के कहने के बावजूद भी उसको नजरअंदाज किया गया, लेकिन पौना मोड़ के निकट बस में अचानक आग की लपेटे आ गई। स्थानीय समाज सेवी विमल यादव ने बताया कि बस में आग की लपेटी इतनी काफी तेज थी कि जिसको देखते ही हम लोगों ने उसमें से यात्रियों और कुछ सामानों को सुरक्षित निकालने में सफल रहे। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित है, कुछ यात्रियों का सामान इस बस में जल गया। वही अरेर थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर मौजूद रहे। रहिका थाना अध्यक्ष ने बताया कि यात्रियों की सामान भी कुछ जल गए हैं, किंतु कुछ यात्रियों को कोई चोट नहीं आई और सभी बाल बाल बच गए हैं। नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के दबाव में हम लोग पैसेंजर को निकाल दिए। पैसेंजर को निकालने के बाद में हम लोग अरेर थाना को सूचना किए, रहिका थाना को सूचना किए। दोनों थाना प्रभारी की तत्परता या यहाँ का लोकल स्थानीय लोग के तत्परता के कारण माल जाल की क्षति नहीं हो पाया। हम लोग सारे पैसेंजर सारे सामान को निकाल लिए। बस नहीं, कुछ लोगों का कहना जो मेरा सामान इसमें था, बहुत कुछ लोगों का छूट गया। हाँ, लेकिन मैक्सिमम की रफ्तार बहुत तेज थी। रफ्तार बहुत तेज हो गई, उस कारण से मान लीजिए किन लोगों का छूटा ये तो लोग नहीं बता पाया, क्योंकि यहाँ काफी लोग जितना हो सका आप लोग ने निकाला। रेका थाना के तत्परता और अरेर थाना दोनों आदमी है फायर ब्रिगेड, उन लोगों को धन्यवाद देते हैं। उनके सहयोग से जान माल यहाँ के लोगों को खतरा से वंचित रहा, और जो भी लाभार्थी इसमें पैसेंजर थे वो सभी बच गए। नाम क्या हुआ आपका? विमल यादव।